ना अमेरिका ना चीन, चंद्रयान 3 को इसरो ने ऐसे दौड़ाया कि देखता रह गया रूस। दोस्तों, अभी आप लोग जब पिछले 2-3 घंटों से अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहे होंगे, तब उस समय इसरो के हेड ऑफिस बेंगलुरु में डर का माहौल था, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा के एक ऐसे जगह पर ले जाना था जहां पर ले जाना सभी के बस की बात नहीं होती है। चंद्रयान 3 को उस जगह पर ले जाने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने लगभग आधे घंटे तक कड़ी मशक्कत की। यह आधे घंटे का जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को पूरा करने तक इसरो के सभी वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि यह प्रोसेस इतना हार्ड और इतना डिफिकल्ट था जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारे इसरो के वैज्ञानिक वास्तव में जो मेहनत करते हैं वो काबिले तारीफ होता है। बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ और डॉक्टर के सिवान ने अभी अभी यह सफलता प्राप्त करने के बाद पूरी दुनिया को जानकारी दे दी है, और ये जानकारी सुनने के बाद न तो अमेरिका न तो चीन, यहाँ तक कि रूस तक को हैरानी हो गई है। आपको पता होगा कि हमारे चंद्रयान 3 की दहाड़ को कम करने के लिए रूस ने अपना लूना 25 लॉन्च किया था। रूस ने सोचा था कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक है, अभी इंडिया हमारा भले ही इतना अच्छा मित्र है लेकिन है तो छोटा, टेक्नोलॉजी आज भी हमसे लेता है, चाहे S-400 हो, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, आज भी मैं उससे ऊपर हूँ। यही गलतफहमी का शिकार हो करके रूस के वैज्ञानिकों ने अपने लूना 25 को लॉन्च किया ताकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के पहुंचने से पहले ही वह पहुंच जाए। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही भांप लिया था कि जरूर रसिया कुछ ऐसा करने वाला है जिससे हमारा चंद्रयान 3 पीछे हो सकता है। समय की नजाकत और समय की स्थिरता को देखते हुए हमारे चंद्रयान 3 में मोनो इंजन को इस कदर फिट किया गया था कि हमारा मोनो इंजन आज हमारे चंद्रयान 3 को विश्व में पहला मोनो इंजन यूज करने वाला देश बना दिया है। खबर आ रही है कि हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के उस हिस्से में प्रवेश किया है जहां से अब हमारे लैंडर को अपना सफर अकेले तय करना पड़ेगा, और यह सफर इतना आसान नहीं है जितना अब तक रहा है। तो आखिर कौन सा है वो सफर जिस पर जाने के लिए अब चंद्रयान 3 को अकेला छोड़ दिया गया है? और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये 2 घंटे इसरो के लिए क्यों अहम थे? आखिर हमने जब से लॉन्च किया तब से लेकर के अब तक का सारा समय तो क्रूशियल था, लेकिन ये 2 घंटे इतने ज़्यादा क्रूशियल क्यों थे? चर्चा करेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से एक एक करके इसी वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसरो की दिन रात कड़ी मेहनत के खातिर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखकर के इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, जब से हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है पूरी दुनिया में यह पता है कि भारत कुछ इतिहास रचने तो जा ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया क्या, हमारे देश में ही बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रयान 3 की असली पहचान पता ही नहीं है, जिन्हें ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि हमारा चंद्रयान 3 कितना बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। उन लोगों को यह बात समझनी चाहिए। बता दें कि अभी जब हम सभी लोग अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हैं, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, पूरा भारत उस समय व्यस्त था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में डर का माहौल था। इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ ने अभी अभी जब यह मिशन सफल हुआ तब उन्होंने आकर के बताया कि हमने पिछले 2 घंटे से अपनी सांसें रोक रखी थी, क्योंकि जब से हमारा चंद्रयान 3 हमारे मॉड्यूल से अलग हुआ है तब से हम अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट को छोड़ने के लिए कमांड भेज रहे हैं, और जब तक हमारा जो ऑर्बिट है वह छोड़ करके हमारा चंद्रयान 3 अलग नहीं होगा तब तक उसे लैंड कराना लगभग नामुमकिन है। आपको मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ और आखिर ये सब है क्या।
दरअसल दोस्तों, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब पहले पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था और फिर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। जब चंद्रमा का चक्कर खत्म हुआ, तब हमारे चंद्रयान को हमारे ऑर्बिटर से, मतलब कि जो चंद्रमा का चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिटर कहते हैं, उससे हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर को अलग किया गया। एक झटके में अलग करना और दोनों आपस में लड़े न, यह सुनिश्चित करना भी अपने आप में कठिन काम था, लेकिन इसरो ने इसे कर दिया था। अलग होने के बाद हमारा ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में चला गया और अब वो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था ऑर्बिटर के पीछे छुटा हुआ लैंडर। लैंडर भी अभी तक चंद्रमा के ऑर्बिट में था और लैंडर जो है ऑर्बिटर के पीछे पीछे चल रहा था। हमें बहुत जल्द अपने लैंडर को ऑर्बिट से हटा करके चंद्रमा की सतह और एनवायरनमेंट के अंदर घुसाना था। बस यूं समझ लीजिए कि हमें कुछ ऐसा करना था कि रॉकेट का रास्ता छोड़कर हवाई जहाज का रास्ता पकड़ना था। यह करना बेहद कठिन था। पिछले 2 घंटे से यह काम बारीकी से एक एक गणित को मिलाकर किया जा रहा था और साथ ही साथ ये सभी काम होने के बाद जो आधा घंटा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन आधे घंटे में हमारा चंद्रयान 3 हमें यह मैसेज देता कि हमने ऑर्बिटर को छोड़ करके चंद्रमा की सतह में प्रवेश कर लिया है। जब आधे घंटे बाद, लगभग 26 मिनट बाद, जब इसरो को यह मैसेज आया चंद्रयान 3 की तरफ से कि आई एम फीलिंग द मून एटमोसफेयर, तब जा करके पूरे के पूरे इसरो में शांति आई। हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर ने बता दिया कि हम अब मून की ऑर्बिट को छोड़ करके मून के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अब हमें चंद्रमा का चक्कर नहीं लगाना है, अब हमें सीधे उस जगह पर लैंड करना है जहां पर इसरो ने पहले से ही वह जगह तय कर रखा है। यह खबर सुनने के बाद यकीन मानिए इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यह जो प्रोसेस है यह इतना आसान नहीं था जितने आसानी से मैंने आपको बता दिया। इन सभी चीज़ों के बाद दोस्तों, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चंद्रयान 3 के महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को महत्व समझाने के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी भारत के चंद्रयान 3 का ये महत्व समझ में आए और इसरो के वैज्ञानिक जो दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे चंद्रयान 3 को अपने सही जगह पर पहुंचा रहे हैं, उनको थोड़ा मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। भारत के हर उस नौजवान को ये कहानी सुननी चाहिए, ये व्यथा सुननी चाहिए जिस व्यथा से हमारा चंद्रयान 3 गुजर रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि दरअसल जब हम चंद्रयान 3 को अपने ऑर्बिट से निकाल करके चंद्रमा के एटमॉस्फेयर में एंटर करा रहे थे, तो उसके अंदर मौजूद हमने सारे सेंसर और सारे टेक्नोलॉजी का फुल उपयोग किया। साथ ही साथ हमने मोनो इंजन को भी स्टैंड बाय में रखा था, ताकि जब हम लूनर ऑर्बिट को छोड़ करके लूनर एटमॉस्फेयर में एंटर करें तो हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि हमारे साथ चंद्रयान 2 के हेड डॉक्टर के सिवान भी मौजूद थे, उन्होंने भी यह प्रक्रिया बड़ी ही आसानी से कर लिया था। बता दें कि यहाँ तक तो चंद्रयान 2 भी सफल ही था। चंद्रयान 2 भी अपने लूनर ऑर्बिट को छोड़कर लूनर एटमॉस्फेयर में एंटर किया था और लैंडिंग साइट पर पहुंच भी गया था। ऐसा ही हमारा चंद्रयान 3 भी कर चुका है। चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ आज उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर रसिया ने सपना देखा था। रसिया का लूना 25 अभी चंद्रयान 3 से इतनी दूर है कि वह चंद्रयान 3 को देख भी नहीं पा रहा है। रसिया के वैज्ञानिकों में काफी निराशा का माहौल है। रसिया ने सोचा भी नहीं था कि उससे छोटा दिखने वाला देश भारत उससे बड़ा काम पहले ही कर चुका है, लेकिन उसने किसी को बताया ही नहीं। इसीलिए तो अब हमारे चंद्रयान 3 के साथ अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि चीन भी शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि यह जो प्लान है यह बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है। इसे फेल करने की बात तो की ही नहीं जा सकती। अब हमारा चंद्रयान 3 ऐसे तमाम खोजों को अंजाम देगा जिसको सुनने के बाद दुनिया के क्या आने वाली कई पीढ़ियाँ चंद्रयान 3 को सलाम करेंगी, क्योंकि आपने देखा ही है
आज तक जब भी चंद्रमा पर पानी की खोज की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम हमारे चंद्रयान वन का आता है, क्योंकि हमारे चंद्रयान वन ने ही सबसे पहले बताया था कि मून पर पानी मौजूद है। अपोलो मिशन के माध्यम से अमेरिका के कई साइंटिस्ट, कई एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की सतह पर जा जाकर पता नहीं कितनी बार चले आए, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चला कि चंद्रमा के किस हिस्से में पानी है। इसलिए हमारा चंद्रयान 3 पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जब हम चंद्रमा पर अपनी बस्तियां बसाएंगे तो यकीन मानिए सबसे बड़ा जमीन का हिस्सा जो मिलेगा वो भारत को ही मिलेगा, क्योंकि आप चंद्रमा पर जितने ज़्यादा खोज करेंगे चंद्रमा पर आपका अधिकार उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसरो की इस कामयाबी को, चंद्रयान 3 की इस कामयाबी को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ उन अनजान लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो हमारे चंद्रयान 3 की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।